दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वापस आकर हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज का यह नुस्खा यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, कब्ज, मोटापा समेत कई तकलीफों को जड़ से खत्म कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा वाई यानी वात बनती है जिसके कारण आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जिसके कारण आपका हार्ट कमजोर हो चुका है, या फिर आपकी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो चुकी है, कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा बढ़ता है आप किसी भी चीज को रख कर भूल जाते हैं, तो दोस्तों आज का ये नुस्खा आपके ये बहुत फायदेमंद है। आज का ये नुस्खा हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम और चरक संहिता से लिया गया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको इसके बारे में सारी जानकारी हो सके। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट की होने वाली है, लेकिन उन सभी लोगों के लिए बहुत खास है जो कि प्राकृतिक तरीके से अपनी बीमारियों का हल करना चाहते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। दो चीजों को अगर आप रात को भिगोकर सुबह इसका इस्तेमाल करते हैं तो पूरी जिंदगी आपको शुगर की समस्या यानी डायबिटीज की समस्या नहीं हो सकती, कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं हो सकती, पेट के रोग नहीं हो सकते। दोस्तों, ये दोनों चीजें अलग अलग ही बहुत पावरफुल है, और अगर इन दोनों चीजों को आपस में बढ़ा दिया जाए तो इनकी पावर दोगुनी हो जाती है। यह आपके सिर से लेकर पैर तक की सभी तकलीफों को दूर करने की क्षमता रखती है, यानी कि शरीर में पनपने वाली बीमारियों को बाहर कर देती है। दोस्तों, ये शरीर में बढ़ने वाले यूरिक एसिड यानी कि हाइपर यूरिसीमिया को कंट्रोल में कर देती है, डायबिटीज को कंट्रोल कर देती है, और डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी आपको बचा के रखती है। दोस्तों, डायबिटीज होने के बाद क्या होता है, हमारा हार्ट कमजोर पड़ जाता है, हाई बीपी की समस्या हो जाती है, किडनी भी अपना काम करना कम कर देती है, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी रहने लगती है। दोस्तों, डायबिटीज की बीमारी के जितने भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनसे भी ये दोनों चीजें आपको बचा के रखेंगी, जोड़ों का दर्द नहीं होने देंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, मोटापा है, तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत कारगर है। अगर आपके शरीर में नसों में कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, नसें आपकी सिकुड़ जाती हैं, ऐठन में आ जाती हैं, तब भी ये नुस्खा आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपकी धमनियों में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और आप रोजाना इसके लिए दवाई खा रहे हैं, तो दोस्तों आज से ही इन दोनों चीजों को रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह सेवन करना शुरू कर दीजिए। हाई ब्लड प्रेशर, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज, ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा ये नुस्खा फेस पर ग्लो लाने का काम करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है। अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, बाल कमजोर हैं, तब भी आपने इसी नुस्खे का इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोस्तों, ये जान लेते हैं ये दोनों चीजें कौन सी हैं और इन्हें कैसे खाना है। सबसे पहली चीज है दोस्तों कलौंजी। कलौंजी के अंदर ऐसी पावर है कि वो हमारे शरीर में से बढ़े हुए यूरिक एसिड को बाहर कर सकती है, वो हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ाती है। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, डायबिटीज को क्योर करती है, और एक रिसर्च से ये चीज सामने आई है कि कलौंजी का सेवन करने से हमेशा हाई बीपी कंट्रोल में ही रहेगा। इसके अलावा छाती में बनने वाली बलगम को भी ये कलौंजी बाहर कर देती है। दोस्तों, कलौंजी के बहुत सारे फायदे हैं, हमने यहाँ सिर्फ आधा चम्मच कलौंजी लेनी है। कलौंजी के इतने फायदे हैं कि ये सिर से लेकर पैर तक की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत कारगर है। सिर्फ आधा चम्मच कलौंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं दोस्तों, वो है अजवाइन। अजवाइन किन किन रोगों को अकेली दूर कर सकती है, ये हमारे शरीर में से वात को दूर कर सकती है, वाई को दूर कर सकती है, और वाई और वात बढ़ने से जो जोड़ों के अंदर सूजन आ जाती है ये उसको भी दूर कर सकती है। अगर किसी इंसान को यूरिक एसिड की समस्या बहुत पुरानी है तो उनको रोजाना अजवाइन का पानी पीना बहुत फायदेमंद है। यूरिक एसिड तो आपके शरीर में से घुलकर शरीर से बाहर हो जाएगा। अगर किसी इंसान के लीवर में स्वेलिंग आ चुकी है, सूजन आ चुकी है, तो ये उसको भी दूर करता है। ये हार्ट को ताकत देने का काम करती है अजवाइन। दोस्तों, हमने इन दोनों चीजों को एक साथ सेवन करना है तो हमने सिर्फ यहाँ आधा चम्मच ही अजवाइन का सेवन करना है। अब आप अजवाइन और कलौंजी को तीन रूपों में ले सकते हैं। आप चाहें तो इनका पाउडर बनाकर ले सकते हैं, आप चाहें तो रात को इनको भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन कर लीजिए, और आप चाहें तो इंस्टेंट
तभी आपने एक गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलौंजी को एक गिलास पानी के अंदर उबालना है और इसका एक काढ़ा एक चाय तैयार करनी है और इसका सेवन करना है। यानी कि तीन रूपों के अंदर आप इसका सेवन कर सकते हैं। जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो गर्मियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि ये आपके शरीर में गर्मी भी नहीं होने देगा। आपने क्या करना है, रात को एक गिलास पानी लेना है और उसके अंदर आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलौंजी भिगो कर रख देनी है। सुबह आपने इस पानी को हल्का सा गर्म करना है, उबालना नहीं है, जस्ट गर्म कर लीजिए, छान कर पी लीजिए। आपने कलौंजी और अजवाइन भी नहीं खानी। आप इस कलौंजी और अजवाइन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसके फायदे भी आपने लेने हैं। दोस्तों जब आप आटा गूंथते हैं ना या फिर सब्जी बनाते हैं उसके अंदर डाल दीजिए, आपको बहुत फायदे मिलेंगे। अगर मैं इन दोनों के फायदों की लिस्ट बताऊं तो जिनको यूरिक एसिड की समस्या है वो इसका सेवन जरूर करें, जिनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है वो इसका सेवन जरूर करें, जिनकी बॉडी के अंदर वात यानी वायु बढ़ती है, जोड़ दर्द करते हैं, घुटने दर्द करते हैं, सूजन रहती है जोड़ों और घुटनों में, उन्होंने इसका सेवन जरूर करना है। बुरा कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है उन लोगों ने इसका सेवन जरूर करना है। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल है, आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, टॉक्सिन रिमूव करना चाहते हैं, फिर भी आपने इनका सेवन जरूर करना है। इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ते हैं तब भी आप इसका सेवन जरूर करिए। तो दोस्तों ये जानकारी ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। बहुत सारे तकलीफों को दूर करने के लिए इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी लंबे टाइम से किया जा रहा है, तो आप भी ज़रूर करिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप ज़रूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।